कौशाम्बी में रोही ओवरब्रिज पुल की कंक्रीट टूटने की हाई पावर जांच आज से शुरू हो गई है। जांच दल के देर शाम कौशाम्बी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। जांच दल में महाप्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रण एमडी मुख्य परियोजना प्रबंधक शामिल है। ये जांच दल दो दिन कौशाम्बी में रहकर अत्याधुनिक उपकरणों के जरिए पुल की गुणवत्ता मानक और पुल के इंस्ट्रक्चर डिजाइन की बारीकी से जांच करेगा। ये जानकारी बीजेपी के चायल विधायक और सड़क प्रबंधन समिति के सदस्य संजय गुप्ता ने मीडिया को दी है। रोल। आज जांच टीम आई है, क्या दिक्कत आई थी ओवरब्रिज में, अब क्या करेंगे? देखिए, आज से दो दिन पहले जो ये ओवरब्रिज का स्लैब का कुछ हिस्सा टूट के गिर गया था, जिसको मैंने शासन में मैंने उठाया था और शासन में माननीय उपमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के निर्देश पे वहाँ पे एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित हुई है। उस कमेटी में आज महाप्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रण और मुख्य परियोजना प्रबंधक सहित इनकी पूरी टीम यहाँ पे आई है और अभी वो 100 मीटर पे इस ब्रिज के हर 100 मीटर पे यहाँ पे जो कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है उसकी स्ट्रेंथ की पूरी चेक होगी। ड्राइंग के अनुसार जो इसमें स्टील का प्रयोग किया जाना है, अभी मैंने ड्राइंग के अनुसार देखा है तो मुझे स्टील का तो मात्रा ठीक दिखा है, मगर इसकी भी पूरी चेकिंग होगी। इसमें ये देखा जाएगा कि आखिर क्या वजह थी कि जो ये पुल डैमेज हुआ है, उसका कारण हम लोग ये पूरी टीम आज ये कारण जानेगी और शासन को भी अवगत कराएगी, उसकी एक प्रति हमें भी अवगत कराएगी, हम आप सभी मीडिया बंधुओं को भी प्रति उसकी हम उपलब्ध करा देंगे। क्या ओवरलोड वाहनों को जैसा ऐसा हो रहा है? देखिए भैया, ओवरलोड की बात करना पुल से जोड़ना गलत है। ओवरलोड अगर कहीं चलता है तो मैं इससे इनकार नहीं करता, पिछली भी सरकारों में बहुत ओवरलोड चलता था, अखिलेश जी की सरकार में, और कौशाम्बी अगर माइंस वाला जिला है तो बगल में फतेहपुर बांदा भी माइंस का जिला है। आज तक कभी कहीं ओवरलोड में पुल टूटने की जानकारी हमें नहीं मिली, आज तक कभी मैंने नहीं सुना कि कोई पुल टूटा हो। पुल टूटा है, किस वजह से टूटा है ये इनकी जांच का विषय है। और रही बात ओवरलोड की, तो ओवरलोड से अगर पुल टूटने चाहिए तो सभी पुल टूटने चाहिए, खाली एक भरवा कौशाम्बी में रोहिए का फ्लाईओवर क्यों टूटेगा? इसलिए ओवरलोड की बात करना गलत है और ओवरलोड पे हमारे जिला प्रशासन ने पूरा नियंत्रण लगा रखा है और मुझे जहां तक जानकारी हो रही है डेली ओवरलोड की गाड़ियां सीज हो रही है, पकड़ी जा रही है। ये जनपद ओवरलोड से पूरी तरह मुक्त हो रहा है, बहुत कंट्रोल किया है पिछली सरकारों की तुलना में। आज की डेट में योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में ओवरलोड ना के बराबर है।